दोस्तों बीमारी तो कभी भी पूछ कर नहीं आती है और किसी भी मौसम में आ जाती है। बीमारी कोई सी भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा दुखदायी होती है, चाहे शरीर में खरोंच की प्रॉब्लम हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा चोट लग जाए या कोई गंभीर डिसीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा दुखदायी होती है और हर समय कोई भी बीमारी आ सकती है। लेकिन कुछ जो गर्मियों में परेशान करने वाली जो डिसीज़ हैं, बीमारियां हैं, हम आज उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है तो हम चाहते हैं कि आपको पता चले और उस चीज़ जो आपको बीमारी की प्रॉब्लम ना हो उससे पहले ही आप कुछ उपाय कर लें जिसके कारण से आपको ये जो गर्मियों में होने वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं वो आपको ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। सबसे पहले हम बात करें तो हीट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे, जिसे लू लगना भी बोलते हैं आम भाषा में। यदि आप गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप अपने शरीर को ढककर नहीं निकलते हैं या फिर बहुत ज़्यादा धूप में निकल रहे हैं और आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं या फिर शरीर को कवर करके नहीं चल रहे हैं या फिर छाता लेके नहीं चल रहे हैं तो आपको लू लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा दुखदायी होती है। इससे ऐसा है कि यदि आपको प्रॉब्लम लू लग रही है तो आपको ये उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या फिर उसकी देखभाल नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लू लगने की जो प्रॉब्लम होती है आप सावधानी रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, कम से कम 4 से 5 लीटर तो आपको पानी पीना चाहिए। नींबू पानी का ज़्यादा यूज़ करें और फल फ्रूट का ज़्यादा यूज़ करें, जूस का ज़्यादा यूज़ करें तो आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेकंड अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो पेट में दर्द की प्रॉब्लम होती है, दस्त की प्रॉब्लम होती है और उल्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अपन खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ ले लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चिटपिटा स्पाइसी या बाहर का कोई फूड इस्तेमाल करते हैं, जो ठेले वाले होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, भजिए वगैरह या फिर समोसे का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है और जलन की प्रॉब्लम होने लगती है और उसके साथ साथ में गैस बनने के कारण आपको वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है। इसलिए गर्मियों में आप बाहर का खाना ना खाकर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेजल का यूज़ करें और ये तली हुई चीज़ चाय कॉफ़ी को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो पेट दर्द की प्रॉब्लम है, उल्टी की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा आपको गैस की प्रॉब्लम है तो ये सारी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको तला हुआ नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और अपने शरीर का ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर अपन बात करें तो घमोरियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मियों में यदि आप शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं और धूप में ज़्यादा घूमते हैं तो आपको घमोरियाँ जो छोटी छोटी फुंसियाँ टाइप की होती हैं वो बहुत ज़्यादा जलन करती हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है उसमें और बहुत ज़्यादा ये दर्द भी करती हैं। तो आपको घमोरियों से बचने के लिए आप सुबह शाम ही घर से निकलें और ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप धूप में निकलें, नहीं तो आप धूप में ना निकलें और शरीर को ढककर निकलें, छाता का यूज़ करें। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो पीलिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मियों में क्या होता है कि खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का नाश्ता करते हैं और तली हुई चीज़ ज़्यादा लेते हैं और बहुत ज़्यादा अपन पानी का भी यूज़ नहीं करते हैं तो अपने जो शरीर में जो अपन खा रहे हैं वो बाहर का खाने के कारण अपने ठीक तरह से पच नहीं पाता है या फिर अपन जो रखा हुआ भी खाना खा लेते हैं, रखा हुआ नाश्ता ले लेते हैं वो जो ठेले वाले होते हैं या फिर होटल वाले होते हैं और अंदर जाकर वो ठीक तरह से पाचन क्रिया नहीं हो पाती है जिसके कारण लीवर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और पीलिए की समस्या उसके कारण होने लगती है। इसलिए यदि आपको गर्मियों में पीलिया की वैसे भी यदि आपको पीलिया की समस्या रहती है या फिर आपको हेपेटाइटिस ABC कुछ हो चुका है की प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को अवॉइड करें, पानी का ज़्यादा यूज़ करें और फल फ्रूट का ज़्यादा यूज़ करें तो इस तरह से आप पीलिया से बच सकते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करके और ज़्यादा से ज़्यादा आप गर्मी में ना घूमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो डिहाइड्रेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि पानी की कमी। क्या होता है पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं ले पाते हैं और शरीर से पसीने की द्वारा पानी अपने शरीर में से निकलता रहता है जिसके कारण हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं जिसके कारण
कारण हमें बहुत ज़्यादा मुंह सूखने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, पानी की पूर्ति करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी पिए। दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर तो पानी अवश्य पीना चाहिए, जिसके कारण हमें गर्मियों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट बात करें तो चिकन पॉक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसे आम भाषा में हम माता भी बोलते हैं या फिर चेचक भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्मियों में देखी जाती हैं और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और ये फैलने वाली बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। यदि आप घर में किसी एक व्यक्ति को अगर चेचक चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो गई है तो वो और लोगों को भी इस बीमारी से ग्रसित कर सकती है। इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा जलन करती हैं, इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा दुखदायी हो सकती है। इसीलिए गर्मियों में आप थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और पानी बहुत ज़्यादा पिए। तो और इसके लिए टीका लगता है, जिसके लिए आपको बच्चों को टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चिकन पॉक्स से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, खुद बच सकते हैं, और बस साफ़ सफाई का ध्यान रख के। नेक्स्ट बात करें तो आंखें आने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में। यदि किसी व्यक्ति को आंखें आ रही हैं, घर में और सदस्य हैं या फिर उसके पास बेड के बात कर रहे हैं, या फिर घर में ज़्यादा एक दूसरे के कपड़े यूज़ करते हैं, टॉवल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी ये आंख आने की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ये भी एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी होती है। इसलिए साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही है आपको साथ में, और जिस व्यक्ति को आंखें आती हैं उसको थोड़ा सा दूर रखें। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फूड पॉइजनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गर्मियों में ठीक तरह से पाचन क्रिया हो नहीं पाती है, पचा नहीं पाता है लीवर, और जिनका लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है उसको तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसलिए बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें गर्मियों में, जिनको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको पहले भी बताया दस्त की प्रॉब्लम होने लगती है, और तो इसलिए आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है, और नाश्ता अवॉइड करना है, और घर का खाना बना हुआ ही खाने का यूज़ करें, तला हुआ बिल्कुल ना खाएं आप। और चटपटा भी जो मसालेदार नाश्ता होता है, खाना होता है, वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए तो आपको वैसे भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें तो यूरिन बर्निंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ठीक तरह से पानी नहीं पी पाते हैं, जिसके कारण यूरिन बर्निंग होने लगती है। जो व्यक्ति बहुत कम पानी पीते हैं उनको यूरिन बर्निंग यानी पेशाब में जलन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण यदि आप पानी नहीं पियोगे तो आपको स्टोन बनने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यदि आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो आपको यूरिन भी पास नहीं हो पाएगा ठीक तरह से, और जिसके कारण आपको यूरिन बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। गर्मियों में होने वाली डिसीज़ एवं इसकी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको तला हुआ नहीं खाना, स्पाइसी खाना नहीं खाना, होटल वाला खाना नहीं खाना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपको, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और आपको सबसे मेन चीज़ है आपको नींबू पानी का यूज़ करना है, ज़्यादा लिक्विड लेना है। इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप जो गर्मी में होने वाली ज़्यादा दिक्कतें हैं आपको, पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं उनसे बच सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के गर्मियों में होने वाली जो प्रॉब्लम है उनसे छुटकारा पा सकते हैं आप, और आपके परिवार एवं आपके बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको गर्मियों में ये सारी प्रॉब्लम होती हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस गर्मियों में होने वाली प्रॉब्लम को आप और आपके परिवार, आपके रिश्तेदार और आपके फ्रेंड सर्कल को पता चल सके कि गर्मियों से किस तरह से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।